TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो। इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि जहां किसान एक तरफ दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि आज का उन्होंने कह दिया गया था, जब चौथे दौर की बैठक हुई थी तो किसानों के सामने एक प्रपोजल सरकार की तरफ से रखा गया था, केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन उन्होंने किसानों ने उस प्रपोजल को मानने से साफ इनकार कर दिया था। अब ऐसे में जहां आज किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लगातार ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, वही जो कि केंद्रीय खेती मंत्री है अर्जुन मुंडा की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि वो किसानों के साथ पांचवें दौर की बैठक करने के लिए बिल्कुल राजी हो चुके हैं। हालांकि किसान इस बात पे पूरे तरीके से अड़े हुए हैं कि वो हर जो फसल के ऊपर MSP की वो मांग कर रही हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हमें हर फसल पे MSP चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार के अगर पिछले प्रपोजल की अगर हम देखा जाए तो उसमें उन्होंने कुछ दालों के ऊपर, 3 दालें थी 2 फसलें थी जिसके ऊपर उन्होंने MSP देने की बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि 5 साल का 2 एग्रीमेंट जो किए जाएंगे जो 5 साल तक रहेंगे, तो जो 2 फॉर्म्स थे। लेकिन किसानों ने कहा था कि पहले हम इसको लेकर अपने किसानों के साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उसके साथ बैठक करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। किसान 2 दिन का समय दिया जाता है, वो चर्चा करते हैं, लेकिन बैठक बेनतीजा निकलती है और उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया जाता है कि अब यानी कि वो इसको सहमत नहीं होते थे। उनकी तरफ से कहा जाता है कि अब हम लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, आज वो दिन है जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ एक तरफ कूच कर रहे हैं, और अगर दूसरी तरफ किया जाए तो अब खेती मंत्री जो कि अर्जुन मुंडा है, उन्होंने फिर से पांचवें दौर की बैठक के लिए कहा गया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जो पांचवें दौर की अगर बैठक के लिए, किसान भी चाहते हैं कि बैठकों का दौर चलता रहे, बातचीत हो, क्योंकि बातचीत के बिना मसला हल नहीं हो सकता है। लगातार इस मामले को लेकर जो पंजाब के CM है वो भी इंटरवीन कर रहे थे इस मामले में। अब ऐसे में अगर पांचवें दौर की बैठक होती है, क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया कि C250 और इसके साथ जो और मसले हैं किसानों के, उस पर चर्चा करने की बात की जाए या फिर बात की जाए जो फसलों पे MSP की, अब देखने वाली बात यह अहम रहेगी कि अगर पांचवें दौर की बैठक होती है, क्या किसान जो कि हर फसल के ऊपर MSP की मांग करते हैं, क्या सरकार इसको देने को तैयार होती है या क्या रहता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन TV9 के साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको ज़रूर अपडेट देते रहेंगे कि अब पांचवें दौर की बैठक किस दिन किस समय, क्योंकि जल्द ही बैठक जो बुलाई जा सकती है, और सूत्रों के हवाले से तो खबर ये भी है कि आज देर शाम या कल तक जो दूसरी जो पांचवें दौर की बैठक है वो बुलाई जा सकती है। अगर बैठक बुलाई जाती है पांचवें दौर की, तो देखने वाली बात ये अहम रहेगी कि क्या इस बैठक में किसान जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं कि वो रुकते हैं नहीं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः पांचवें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं, चाहे वो MSP का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे FIR का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है, और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे। और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। पांचवें दौर की बातचीत, आपने कहा कि किसानों से आप करने के लिए तैयार हैं, पांचवें दौर की क्या उन लोगों की तरफ से कोई ऑफर आया है कि कब बातचीत करना चाहते हैं? अभी तक ऐसा कोई सूचना आई नहीं है। हम यही अपील करेंगे कि पांचवें दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम
अपना पक्ष रखे, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी, दीर्घकालिक दृष्टि से भी हमें समस्या का समाधान की दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है।